المسلمين أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. खबर कहते हैं उस मुक्तदा के बारे में जो इत्तला दी जाती है, तो हाजी ही मेरा तो ये क्या है, ये तो हम है छुपा हुआ, तो उसको आगाज कर रहे हैं कि ये मदरसे निज़ामिया में कई सालों से देराना ख्वाहिश थी कि मुस्तकिल तौर पर मौलवी का कोर्स शुरू किया जाए। आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमने आज इफ्तिताए मौलवी कोर्स शुरू किया है और मुफ्ती हाफिज़ बुखारी आसिफुद्दीन साहब को इस दर्स देने के लिए इंतखाब किया है और कुरान और खिरत के लिए हाफिज़ ज़ाकिर हुसैन साहब का भी तकर्रुर अमल में लाया गया है। अल्लाह से दुआ है कि हमारी कोशिशों को अल्लाह ताला कामयाब करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि मदरसा निज़ामिया में जो है मौलवी कोर्स का आगाज़ हो चुका हो गया है। आज से ये मदरसा निज़ामिया पूरे इलाके रायलसीमा में जो है सबसे बड़ा मदरसा है। तकरीबन 40 सालों से जो है यहाँ दीनी खिदमत अंजाम दी जा रही है। सुल्तानुल मशायख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाही के नामे गिरामी से इस मदरसे को जो है शुरू किया गया है। आज से इस मदरसे में जो है मौलवी कोर्स का आगाज़ भी शुरू हो चुका है। हज़रत आसिफुद्दीन साहब कादरी खिबला की जो है ज़ेर सरपरस्ती यहाँ जो है तलबा जो है इल्म हासिल करने के लिए आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। इस पुर मुसर्रत मौके पर मैं तमाम हज़रात मदरसे सदर और अकीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बेहद खुशी का दिन है। मदरसे निज़ामिया अदोनी में मौलवी कोर्स का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। ये बड़ी दिली ख्वाहिश थी अदोनी के लोगों की, जो है यहाँ हिफ्स के मदरसे बहुत है, मौलवी का मदरसा नहीं है, जिसके लिए बहुत ही लायक व फायक हाफिज़ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब, जो हमारे इलाके की बड़ी दीनी दरसगाह है, वहाँ से कामिलुल फिक है, हैदराबाद जामे निज़ामिया से, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो है इस काम के लिए आगे आए और साथ ही साथ मदरसे निज़ामिया के तमाम असातिज़ा और मुतमद मदरसा जनाब ख्वाजा हुसैन साहब का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कार खैर में जो है हमारे नाज़िम जमात निज़ामिया जनाब खालिद निज़ामी साहब भी, उनका भी बड़ा ताउन रहा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन तलबा से गुजारिश करता हूँ जो इल्म सीखना चाहते हैं वो मौलवी कोर्स के लिए मदरसे निज़ामिया में दाखिला लें और भरपूर इसका फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व बाद। जैसा कि अभी आपने सुना, मदरसे निज़ामिया में शोबे मौलवी का आगाज़ हो चुका है। हम तलबा से और उलूम दीनिया के ख्वाहिशमंद हजरात से उम्मीद करते हैं कि इससे वो इस्तेफादे की कोशिश करें और यकीन जानिए कि अरबी में ही अल्लाह सुबहानहू व तआला ने सारे उलूम को रखा है। चुनाचे नुज़ूल कुरान के लिए भी उसने अरबी ज़बान को इंतखाब किया, जबकि मुमिन आयाती ही इख्तलाफ़ वलसिनतिकुम वालवानिकुम, कुदरत की निशानियों में से यह निशानी है कि तुम्हारी ज़बानों का मुख्तलिफ होना और तुम्हारी रंगों का मुख्तलिफ होना। लेकिन नुज़ूल कुरान के लिए उसने अरबी का इंतज़ाम किया, उसकी वजह ख़ुद उसने बताई, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून, हमने कुरान को अरबी में इस वास्ते नाजिल किया ताकि तुम समझो। तो समझ बूझ का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो अरबी ज़बान में है और उलूम का एक बड़ा हिस्सा अरबी ज़बान ही में मिलता है, माँ बाकी बाद में फ़ारसी में और दीगर ज़बानों में मिलता है। तो बहरहाल अरबी सीखना, समझना, कुरान मजीद को सीखना और समझने के मुतरादिफ है। मदरसा निज़ामी ये हमारा मादर इल्मी है। इसी मदरसे में आज बरोज़ जुमरात मौलवी कोर्स का आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम साथी जो है इल्म दीन की तड़प रखते हैं और मदरसे निज़ामिया मौलवी कोर्स का आगाज़ होने की इत्तला जैसे ही मिली तो हमने इरादा किया कि हम भी जो है
इस मदरसे से इस्तेफादा करें और शोबे मौलवी में दाखिला लेकर जो है उलूम दीनिया में और मज़ीद तरक्की करने की सही करें।